Hello, my dear students. Welcome once again in my YouTube channel. So, in this video tutorial, I am going to discuss about night blindness and color blindness. I want to give a comparative view here. So, first thing I want to tell you about night blindness is that it is a deficiency disease. It is a deficiency disease which is caused due to deficiency of vitamin A. Okay. और अगर कलर ब्लाइंडनेस के लिए स्टूडेंट्स हम लोग बोलेंगे तो इट इज अ हेरिडिटरी डिजीज. इट इज अ हेरिडिटरी डिजीज. और यहाँ पे क्या होगा, डेफिशिएंसी डिजीज होगी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी किसकी सिंथेसिस, रोडोप्सिन. सिंथेसिस ऑफ रोडोप्सिन विल बी डिक्रीज. यहाँ पे होगा डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ रोडोप्सिन एंड इट इज अ पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन रॉड्स. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो रॉड हमारे फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं वहां पे ये रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होगा. एंड सिंस रोडोप्सिन कैन नॉट फंक्शन विदाउट रॉड्स, कैन नॉट फंक्शन विदाउट रोडोप्सिन, द पर्सन कैन नॉट सी वेल इन डिम लाइट और एट नाइट. जब यहाँ पे रोडोप्सिन का कंटेंट कम हो गया तो जो पर्सन होगा, द पर्सन cannot be able to see well in dim light. Dim light या फिर night में वो person देख नहीं पाएगा. क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि rod जो cells होते हैं वहां पे rhodopsin का content बहुत ही कम हो जाएगा. और इस condition को हम लोग students बोलते हैं night blindness. तो some points I want to highlight here. Here will be concentration of rhodopsin reduced and it is a deficiency disease, vitamin E की deficiency है. Next हम लोग discuss करते हैं color blindness के बारे में. First point मैंने आपको बताया कि एक hereditary disease है और यहाँ पे absence of a particular kind of cone or cones in retina. यहाँ पे भी एक particular kind of जो cone है वो absent हो जाता है. And since color vision is due to stimulation of three types of cone and the people lacking a particular kind of cone cannot perceive that color. एक particular cone नहीं होगा, one particular cone कोई present absent होगा, उसकी वजह से color perception में problem आएगी. और यहाँ पे आप लिख सकते हैं person cannot perceive that color. जैसे कि एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, एब्सेंस ऑफ रेड कोन्स मीन्स अ पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड येलो. सपोज रेड का जो कोन है, रेड कोन एब्सेंट है अगर यहाँ पे, तो हमें क्या होगा, रेड कलर को डिफ्रेंशिएशन में प्रॉब्लम आएगी. डिफिकल्टी इन डिफ्रेंशिएशन. ऑफ रेड कलर. तो ये कुछ कंपेरेटिव व्यू था स्टूडेंट्स. कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस दोनों में ही है, तो क्या इसका बेसिक फंडा क्या है, क्या बेसिक कंसेप्ट है जिसके पॉइंट पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाए. सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ये हेरिडिटरी डिजीज है और ये डेफिशियंसी डिजीज है. यहाँ पे सारे के सारे कौन सेल एबसेंट होंगे, यहाँ पे एक पर्टिकुलर कौन सेल एबसेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन हियर, दिस इज द कौन सेल्स, ये दिस इज द एग्जाम्पल. सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर स्टूडेंट्स. I hope I will meet soon with you people with a new topic. Thank you for continuous support and please hit the like button if you like my video and share with your friends as more as possible. Take care, students.